दादी जी सेवा मंडल के तत्वावधान में होने वाले 2 दिवसीय चरण पादुका उत्सव का आयोजन एक निजी मैरिज हॉल में किया जाएगा, जिसके संबंध में दादी भक्त आलोक झुंझुनवाला ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि दादी जी की चरण पादुका का उत्सव 26 और 27 मार्च को एक निजी हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पड़ोसी राष्ट्र नेपाल सहित देश के अनेकों प्रांत, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा देश व विदेश के कोने कोने से दादी भक्त चरण पादुका उत्सव में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दादी भक्त देर रात भव्य आयोजन के लिए अपनी अपनी सेवाएं देने में जुटे हुए हैं, जिसमें 26 मार्च को सुबह 7 बजे से गोरखनाथ मंदिर से रानी सती दादी मंदिर लच्छीपुर से शोभा यात्रा 113 निशान द्वारा निकाली जाएगी, जिसमें भारी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रहेंगी, और 27 मार्च को 11:30 बजे नारायणी चरितमानस मंगल पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर ज्योति झुंझुनवाला, योगेश जालान, आनंद जालान, पवन सिंघानिया, विष्णु अग्रवाल, संजय अग्रवाल, दीपक जालान, मोहित जालान, काजल जालान सहित आदि लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दादी सेना के आलोक झुंझुनवाला ने कहा, दादी सेवा मंडल गोरखपुर कार्यक्रम है उसको लेकर के है, जो हमारी 26 तारीख को जो शोभा यात्रा को आप देखिएगा इसमें दिया हुआ है सबकी बात नहीं ठीक है, गरीब ना मैं सोच रहे हैं आलू वाला प्रोग्राम है दादी जी चरण पादुका उत्सव, श्री रानी सती जी चरण पादुका उत्सव गोरखपुर में यूपी में प्रथम बार हो रहा है। ये कल इससे पहले कलकत्ता में हुआ था। ये हमारी कुल देवी हैं रानी सती जी, उन्हीं के तत्वाधान में हम लोग करते हैं इसको। हमारी सामाजिक प्लस रिलीजियस संस्था है, हम सामाजिक के कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, एवं पूरे हिंदुस्तान में आज हमारे 30,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं इसके। 2 दिवसीय में कल तो 26 तारीख को शोभा यात्रा है, परसों सुबह से ज्योत प्रज्वलन के बाद मंगल पाठ, दादी जी का मंगल पाठ, तत्पश्चात भजन संध्या का आयोजन। जो कलाकार हैं वो कलकत्ता, दिल्ली, सूरत 3 जगह से हमारे कलाकार गायक आ रहे हैं। 26 तारीख को कल सुबह 7 बजे से शोभा यात्रा है, 27 तारीख को सुबह 11 बजे से प्रोग्राम शुरू। जन जो है दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, पूरे हिंदुस्तान से, कानपुर, लखनऊ, नेपाल, पूरे हिंदुस्तान से भक्त आ रहे हैं।